एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान मकराना में, और हमारे पास मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी एनी टाइम अवेलेबल है। आज मैं आपके सामने एक नया लॉट लेके आया हूँ। ये जो कंप्लीट क्वालिटी है मकराना चकडुंगरी मार्बल के कट पीसेस है, और मैं आपको इसके पूरे लॉट के बारे में बताऊँगा, इसके अंदर कौन कौन सी साइजेस होती है, और उसके अलावा ये मार्बल लगने के बाद में कैसा लगता है, तो इसकी फ्लोरिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं। ये जो कंप्लीट मटेरियल है मकराना चकडुंगरी मार्बल का मटेरियल है, इसके अंदर जो साइजेस रहती है 1x1 से लेके 2x1.5 तक की रहती है, मतलब 24x18 और 1x1 तक की साइज रहती है। जैसे ये लॉट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर सबसे जो बड़ी साइज होती है 2x1.5 है। ये जो लॉट है इसकी जो हाइट रहती है 24 इंच है, और जो इसकी लेंथ है 18 इंच है। तो पूरे लॉट के अंदर सबसे बड़ी साइज यही रहती है, और जो छोटी साइज है वह 1x1 मतलब 12x12 रहती है। अभी मैं ये लॉट आप एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये कि इसके अंदर क्रिस्टल लेस मटेरियल है, और ये जो मटेरियल है इसके अंदर सिल्कनेस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। ये आप पूरा मटेरियल देख सकते हैं। और एक बार इस लॉट को पूरा दिखाने से पहले मैं आपको एक बार इसके आइडिया दे देता हूँ कि ये किस तरीके से ये मटेरियल बनता है। अब ये जो स्लैब है ये मकराना चकडुंगरी मार्बल की स्लैब है, और ये मटेरियल एकदम फ्रेश मटेरियल है। अब इसी के ही कट पीस बनते हैं, और कट पीसेस तब बनते हैं जब मान लो ये बड़ी स्लैब क्रैक निकल जाती है। अभी मान लो इसमें पूरे क्रैक ही क्रैक्स आ गए, तो क्रैक्स ही क्रैक्स आने के बाद में इसके अंदर जो क्रैक्स को निकाल के और एकदम फ्रेश जो पीस बनता है वह कट पीस का बन जाता है। इसके अंदर मान लो ये इतना करेक है, तो यहाँ मान लो 24x18 की साइज बन रही है, या 15x12 की साइज बन रही है। इस तरीके से फ्रेश कट पीसेस निकल जाते हैं अगर कोई क्रैक स्लैब होती है तो। इसकी वजह से मान लो अलग अलग जगह से ये पीस बाहर निकले हैं, तो इसकी वजह से स्लैब के अंदर लाइन टू लाइन मैच हो जाती है, पर कट पीसेस के अंदर आपको लाइन टू लाइन मैच होती हुई नहीं दिखाई देगी। उसके अंदर लॉट पूरा एक मिल जाएगा, बट साइज जो लाइन टू लाइन मैच होती है वह आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपको ये बता दिया कि एक बड़ी स्लैब से किस तरीके से फ्रेश डूंगरी के ही कट पीसेज निकलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इनकी साइज क्लियर कर देता हूँ। तो आइए, जैसे ये पीस है तो इसकी जो हाइट है 2 फीट है, और जो इसकी लेंथ है वह 1.5 है। तो 24x18 इंच का ये पीस है। इसके अलावा इसके पास वाले पीस की बात करते हैं तो 18 इंच बाई 12 इंच है। उसके अलावा इसकी बात करते हैं तो इसकी जो हाइट है 2 फीट है, और जो इसकी लेंथ है 1 फीट है। और ये जो पीस है इसकी जो हाइट है 1 फीट है, और इसकी जो लेंथ है वह भी 1 फीट है। इस तरीके से ये 3-3 इंच के गैप के अंदर ये मटेरियल चलता है। जैसे कि इसकी हाइट है 2 फीट है, और जो लेंथ है 1.3 है, 1.25 फीट है। इसी तरीके से इस पीस की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है 1.3 है, 1.25 फीट है, और जो हाइट है 1 फीट है। और आगे चलते हैं तो इसी तरीके से आपको 15 इंच ये जो पीस है इसकी आपको 21 इंच हाइट मिलेगी, और जो लेंथ है 1.6 है, मतलब 18 इंच है। तो इस तरीके से इस पूरे लॉट के अंदर आपको 8 से 10 साइजेस देखने को मिलेगी, जो 2x1.5 से स्टार्ट होकर 1x1 के बीच में जो भी साइजेस आती है वह कंप्लीट साइजेस आपको मैंने इसके अंदर बता दी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्वालिटी कैसी है। ये जो क्वालिटी है मकराना चकडुंगरी मार्बल की बेस्ट क्वालिटी है। ये जो मटेरियल निकलता है अपने जो ज़मीन लेवल होता है उससे 400-500 फीट डीप से ये मटेरियल निकलता है। जो माइंस है ये ज़मीन के अंदर है, तो ये जो कंप्लीट मटेरियल है पानी वाला मटेरियल है। पानी की वजह से इस मटेरियल के अंदर काफ़ी अच्छी सिल्कनेस रहती है, और जो एक इसकी खास बात रहती है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको कहीं पे भी क्रिस्टल देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मटेरियल है आप देख रहे हो पूरी सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, और इसके ऊपर आपको कहीं पे भी क्रिस्टल चमकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस मटेरियल पे जो क्रिस्टल लेस मटेरियल है तो इसका बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि इसके अंदर आपके पॉलिश बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप साइड से भी देख सकते हैं एकदम मिनिमम क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। तो
इस मटेरियल की जो खास बात है वह यही है कि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी वाइटनेस और सिल्कनेस देखने को मिलेगी, और उसके अलावा इसके अंदर जो बेस है वह वाइट रहेगा और वाइट के ऊपर इसके ऊपर लाइनिंग आएगी। जो आप लाइनिंग देख रहे हैं इसके अंदर आपको ग्रे लाइनिंग देखने को मिलेगी, जिसको आप फ्लोरिंग में लगने के बाद में किस तरीके से लगेगा वह भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मकराना जो चकडुंगरी के कट पीसेस का लोट है इसके अंदर आपको कलर कौन से देखने को मिलेगा। तो मोस्टली आपको इसके अंदर दो कलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये आप लोट देख रहे हैं इसके अंदर इसका बेस वाइट है और ग्रे लाइनिंग है, मतलब वाइट प्लस ग्रे का ये कंप्लीट लोट है। और इसके अंदर जो इसका कंप्लीट बेस है वाइट रहेगा और इसके अंदर एकदम शार्प लाइनिंग, जो शार्प लाइनिंग आएगी वह ग्रे लाइनिंग आएगी। और सेकेंड कलर वो होता है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं वाइट प्लस क्रीम कलर, मतलब इसका बेस वाइट रहेगा और वाइट के ऊपर क्रीम लाइनिंग मतलब ब्राउन लाइनिंग रहेगी। तो अब आपके पास इसके अंदर कलर का दो ऑप्शन मिलता है, वाइट प्लस ग्रे कलर और वाइट प्लस ब्राउन कलर, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा कलर है वाइट प्लस ब्राउन कलर है। इसके अंदर वाइट प्लस ग्रे का सेपरेट लोट रहता है और वाइट प्लस क्रीम कलर का सेपरेट लोट रहता है, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है ये कंप्लीट जो लोट है इसकी प्राइस 30 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक है। ये मेरे पास एक लोट है, उसके अलावा मेरे पास चकडुंगरी के और भी लोट्स अवेलेबल है। अब ये आप मटेरियल कहाँ पे लगा सकते हैं, तो घर के अंदर आप अपना मेन लिविंग एरिया हॉल हो गया, गेस्ट रूम हो गया, वहाँ आप बढ़िया चकडुंगरी की स्लैब्स का यूज़ करते हैं। जो आप स्लैब्स 100 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक, जहाँ तक आपका बजट हो उस रेंज की आप मेन बढ़िया चकडुंगरी की स्लैब यूज़ करते हैं, जिसके अंदर लाइन टू लाइन मैच हो जाती है। बाकी जो पीछे रह गए रूम्स रह गए या फिर ओपन एरिया रह गया या फिर पार्किंग रह गया या फिर बाथरूम रह गया, आप यहाँ पे चकडुंगरी के कट पीसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका बजट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। जो आप मेन जगह पर चकडुंगरी की स्लैब लगा रहे हो उसी क्वालिटी के आप कट पीसेस अदर रूम्स में लगा रहे हो, तो उससे आपका ऑटोमेटिक बजट इस हिसाब से कवर हो गया कि वहाँ 100 से 200 जा रहा है और रूम के अंदर आपका 30 से 40 रुपीज़ के कट पीसेस पे आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेन एरिया के साथ में जो क्वालिटी है सेम वही क्वालिटी आपके रूम्स के अंदर होगी, तो क्वालिटी भी मैच होगी और बजट भी ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अब मैं ये लोट आपको नज़दीक से दिखा देता हूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चकडुंगरी मार्बल किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके से इसकी लाइनिंग आती है और किस तरीके से ये फ्लोरिंग में लगने के बाद में आपको दिखाई देने वाला है। अभी इसके ऊपर वाटर अप्लाई है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉलिश के बाद में आपकी फ्लोरिंग किस तरीके से दिखाई देगी। और आप कंप्लीट इसके अंदर साइजेस भी देख सकते हैं और लाइनिंग और इसकी रेशे और इसका सिल्कनेस आप कंप्लीट इसको आराम से देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि चकडुंगरी मटेरियल किस तरीके से दिखाई देता है और किस तरीके से इसका पूरा कलर लाइनिंग दिखाई देती है। और ये जो कंप्लीट क्वालिटी है मकराना चकडुंगरी मार्बल की बेस्ट क्वालिटी है और ये मटेरियल लगने के बाद में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अभी ये देखो, ये जो मैं आपको फ्लोरिंग दिखा रहा हूँ ये चकडुंगरी मार्बल के कट पीसेस की फ्लोरिंग है, जो इसके साइज है 18x12 साइज है और ये एकदम सिंपल शोबर प्लेन डिज़ाइन के अंदर लगाया हुआ है, इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन नहीं दे रखी है। तो आप देख सकते हैं जो कट पीसेस मैंने आपको लोट दिखाए थे तो वो लगने के बाद में किस तरीके से लगते हैं, और ये ब्रेक जॉइंट के अंदर लगाया हुआ है। अब मान लो इसके अंदर हल्की सी डिज़ाइन दे देते हैं, इसके अंदर दो सूत का एक साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, तो अब आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन के अंदर भी ये मटेरियल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और जो वेरिएशन होता है, जो लाइन टू लाइन नहीं मिलने वाला वेरिएशन है वह भी ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको अपने रूम्स में या फिर ओपन एरिया के अंदर आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखो, ओपन एरिया के अंदर ये कम्प्लीट फ्लोरिंग लगी हुई है, इसके अंदर जो एक कट पीस है 12x12 इंच का कट पीस है, इसके चारों तरफ चार सूत का बॉर्डर देके ये पूरी डिज़ाइन रेडी की गई है। तो ये भी आप देख सकते हैं ये मटेरियल अब कितना खूबसूरत लुक दे रहा है, जबकि ये ओपन एरिया के अंदर इस पे धूप भी आती है और बारिश भी आती है, तो सब होने के बाद में भी ये काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी आप देख पाएंगे तो अच्छी रहेगी। इस तरीके से आप इसको प्लेन अपनी जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिज़ाइन डाल के भी इसको फ्लोरिंग में लगा सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं ये जो फ्लोरिंग है ये भी एकदम प्लेन लगाई गई है, इसके अंदर जो साइज है 15x15 इंच की साइज है, ये भी एकदम प्लेन सिंपल शोबर यूज़ में किया गया है और ये भी ब्रेक जॉइंट के अंदर लगाया गया है। तो ओवरऑल आप इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो यही है कि
इसकी फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी लगती है, कटपीस लगने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जबकि ये आप देख पा रहे हैं ये बाथरूम के अंदर लगा हुआ है, तो पानी के अंदर रहते हुए भी ये कभी ख़राब नहीं होता है। अब आप इसके अंदर ये डिज़ाइन देखते हैं, तो इसके अंदर तीन बॉर्डर देखे ये पूरा डिज़ाइन लगाया गया है। ये जो साइज है 18 इंच बाई 18 इंच का साइज है, और ये आप फ्लोरिंग देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत फ्लोरिंग है। तो आप कट पीसेस को जिस तरीके से चाहें, जिस डिज़ाइन में चाहें, उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको कंप्लीट लोट दिखा दिया, कंप्लीट साइजेस दिखा दी, क्वालिटी दिखा दी और फ्लोरिंग भी दिखा दिए। इस तरीके से आपको भी मकराना मार्बल की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्बल्स।